जीएसटी पर सियासी वार जारी, मोदी के मिडनाइट मेगा शो का बहिष्कार करेगी कांग्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद लिया गया फैसला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने कसी कमर, पाटीदारों के गढ़ राजकोट में रोड शो करके दिखाएंगे ताकत, शाम 7 बजे से करेंगे रोड शो। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, लगातार 2 बार से उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, 10 अगस्त को खत्म हो रहा है कार्यकाल। समर्थन जुटाने चंडीगढ़ पहुंचे एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, यहां की तमाम पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे कोविंद। मीरा कुमार भी चंडीगढ़ में कर सकती हैं प्रचार। और सियाचिन में तैनात जवानों को मोदी सरकार का तोहफा, हार्डशिप अलाउंस मिनिमम 30,000 हुआ, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा जवानों की राशन मनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। वस्तु एवं सेवा कर के मेगा शो पर सियासत जारी है। जीएसटी की लॉन्चिंग के मेगा शो में शामिल होने के लिए विपक्षी पार्टियां अपनी कोटियां चल रही हैं। इसी मामले में एक ओर जहां टीएमसी और डीएमके द्वारा बायकॉट का फैसला लिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 30 जून के इवेंट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला कर लिया है। विपक्ष के कई नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को भी जीएसटी इवेंट का बायकॉट करना चाहिए। वहीं मोदी सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपने पक्ष में हरियाणा और पंजाब के विधायकों को, सांसदों को वोट हासिल करने के इरादे से चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। वहां कोविंद ने तमाम पार्टियों के विधायकों और सांसदों से मुलाकात करने का न्योता भी भेज दिया है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी किस उम्मीदवार के साथ जाएंगे। अब तक दोनों ही पार्टियों ने भाजपा और कांग्रेस का विरोध किया है। उधर कांग्रेस ने पंजाब हरियाणा की तमाम राजनीतिक पार्टियों के विधायकों और सांसदों से अपील की है कि यूपीए की कैंडिडेट मीरा कुमार एक काबिल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और उनके पक्ष में राजनीति को पीछे छोड़कर सभी लोगों को उन्हें वोट करना चाहिए। इसी वजह से एनडीए के उम्मीदवार अपने प्रचार के दौरान पूरा एक दिन चंडीगढ़ में बिताकर अपने पक्ष में विरोधी पार्टियों से भी वोट मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपीए की कैंडिडेट मीरा कुमार भी चंडीगढ़ आकर अपने पक्ष में प्रचार कर सकती हैं। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बढ़ रही सरगर्मी के बीच आज चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे, 20 जुलाई को मतगणना होगी। बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, वो 2 बार से इस पद पर हैं। इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। पीएम मोदी यहां पाटीदारों के गढ़ राजकोट में एक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य फोकस पाटीदार, दलित और ओबीसी पर रहने वाला है। पिछले 5 महीनों में नरेंद्र मोदी का ये 9वां गुजरात दौरा है। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो शाम 7 बजे से लेकर 8:30 तक चलेगा। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में रोड शो किया था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज सिक्किम के दौरे पर हैं। ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सिक्किम बॉर्डर पर पिछले 2 दिनों से चीन की दादागिरी सामने आई है। पहले चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगाई, तीर्थ यात्रियों को बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया। उसके बाद चीन ने भारत और भूटान के साथ लगी अपनी सीमा पर स्थित भारतीय सेना के एक पुराने बंकर को बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए हटा दिया। चीन की बौखलाहट की एक वजह भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती भी है, जिससे चीन को संकेतों में कूटनीति का अलर्ट मिल चुका है कि आने वाले दिनों में उसको मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। इसीलिए बॉर्डर पर तनाव के बहाने चीन पिछले 2 दिनों से भारत को धमका रहा है।
सेना प्रमुख का ये दौरा हालांकि पहले से तय था, लेकिन ये चीन के साथ चल रहे बॉर्डर पर तनाव के ताज़ा हालात के बीच बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनरल विपिन रावत सिक्किम बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे और सीनियर कमांडर्स के साथ सुरक्षा के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष में एक और छलांग लगाते हुए G-SAT-17 की सफल लॉन्चिंग की। ये प्रक्षेपण फ्रेंच गुआना के कोरू से गुरुवार तड़के 2 से 3 बजे के बीच दुनिया की जानी मानी उपग्रह प्रक्षेपण कंपनी एरियन स्पेस के भारी प्रक्षेपण एरियन 5 की मदद से किया गया। G-SAT-17 का भार करीब 3,477 किलोग्राम है। G-SAT-17 उपग्रह सामान्य सी बैंड, विस्तारित सी बैंड और एस बैंड से विभिन्न संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को बताया था कि एरियन 5 प्रक्षेपण यान के जरिए 29 जून को भारतीय समयानुसार तड़के 2:29 पर G-SAT-17 का प्रक्षेपण किया गया। इसरो के अनुसार ये मौसम संबंधी और उपग्रह आधारित तलाशी और बचाव कार्य से जुड़े आंकड़े भेजने वाले उपग्रह भी लेकर गया है। इनसेट उपग्रह पहले ये सेवाएं उपलब्ध कराते थे। तो भारतीय उपग्रह G-SAT-17 का लॉन्च हो गया आज और एरियन 5 के दौरान ये उसमें प्रक्षेपण के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया। भारतीय उपग्रह G-SAT-17 को रात 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लॉन्च किया गया। और एरियन 5 रॉकेट के जरिए आपको बता दें इसे लॉन्च किया गया। तो आपको बता रहे हैं कि एरियन 5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण किया गया। मध्य प्रदेश के सागर के पडरिया ग्राम पंचायत में गड्ढे में गिरने से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। ये गड्ढा शौचालय निर्माण के लिए खुदवाया गया था। प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि गड्ढे को पिछले 4 महीने से खोदकर खुला ही छोड़ दिया गया। अब पीड़ित पिता ने सरपंच सचिव पर हत्या का मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस के अनुसार उन्हें अभी तक कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा तो अच्छी दी है, माने आपने माने जो गड्ढा खुदवाए हैं तो अभी भी नहीं बन गया, 5 महीना हो चुके हैं। और जो माने जैसे बन जाती तो आज हमारी बच्ची नहीं गिरती गड्ढे में, उसकी मौत हो गई। कल शाम के करीब 6 बजे थाना सानोधा अंतर्गत ग्राम पड़िया में रमेश आदिवासी की बच्ची उम्र करीब 5 वर्ष घर पर खेलते समय घर के सामने बने लेटरिन के गड्ढे में पानी होने से उसमें डूब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों ने कोई शिकायत नहीं की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख सकते हैं नेशन लाइव एयरटेल के चैनल नंबर 352 और रिलायंस जियो टीवी पर। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। अगर है कोई शारीरिक परेशानी या मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं आप, हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। नेशन लाइव पर हर पल आपके साथ। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, क्यों ना बदले
खबरों का मिजाज, खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज, हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के नेता रामबाई सिंह को हिरासत में ले लिया। रामबाई सिंह पर बिजली कंपनी के एक कर्मचारी ने अभद्रता करने का आरोप लगाया था। बता दें कि रामबाई पर फरवरी में हुई इस SC ST एक्ट के तहत कई धाराओं सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार करते हुए जिला न्यायालय में पेश कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बीते पिछले दिनों से किसान ने CM शिवराज सिंह चौहान की नाक में दम कर रखा है। वहीं मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद किसानों के द्वारा आत्महत्या की संख्या में इजाफा हुआ है। इस दौरान टांडा थाना अंतर्गत में एक किसान ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान पर आदिम जाति सेवा समिति बलेड़ी और व्यापारियों का कर्ज था। लगभग 3 लाख का मृतक किसान पर कर्ज था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में RMP नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सहित 6 अन्य लोगों पर मौत के लिए मजबूर करने का जिक्र किया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने कार्रवाई नहीं होने पर नेशनल हाईवे जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर CSP, SDM और TI सहित पुलिस बल पहुंचे, जिसके बाद सिविल लाइंस पुलिस ने सभी आरोपियों पर कई धाराएं लगाकर मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में किसानों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी को लेकर सरदारपुर के टिमायची गांव में एक किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसान के हौसलों के आगे अब प्रशासनिक अधिकारी झुकते नजर आ रहे हैं। किसान को मनाने के लिए अधिकारी उसके गांव भी पहुंच गए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। तस्वीरों में सरदारपुर जिले के आला अधिकारियों से घिरा ये शख्स कोई बड़ा नेता, अभिनेता या कोई VIP नहीं है। हालांकि आज के समय में ये VIP से भी बड़ा बना हुआ है। जी हाँ, मांगीलाल उर्फ मंगल सिंह नाम का ये शख्स पेशे से एक मामूली किसान है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर मांगीलाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। मांगीलाल की भूख हड़ताल की खबर सुनते ही आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और वो उसे मनाने के लिए उसके गांव पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने हड़ताल समाप्त करने के लिए मांगीलाल को तकरीबन आधा घंटे तक समझाया। अधिकारियों के काफी मान मनोबल के बाद उसने अपनी हड़ताल को खत्म करने की बात कही। हालांकि उसने अपनी मांगों को लेकर आला अधिकारियों से लिखित में आश्वासन भी लिया। बता दें कि मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर के डॉक्टरों की एक टीम एम्बुलेंस सहित मौजूद थी और भूख हड़ताल खत्म होने पर किसान को ग्लूकोज भी चढ़ाया गया। सरदारपुर ब्यूरो के साथ राज मिश्रा की रिपोर्ट। राजस्थान के मालासर में आनंदपाल के एनकाउंटर पर अब राजनीति शुरू हो गई है।
आनंदपाल के पोस्टमार्टम किए जाने के बाद भी शव अभी भी रत्नगढ़ मोर्चरी में ही रखे होने पर परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही दोनों भाइयों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत देने की भी मांग की है। वहीं अब इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीबीआई जांच का आश्वासन दे दिया है। हमने सरकार को जो मांगे रखी उसका ज्ञापन दे चुके हैं और हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। जो भी ये एनकाउंटर बता रही है सर सरकार, तो ये हम ये कहते हैं कि एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, कि सीबीआई जांच कराई जाए। हम इस मांग पर बिल्कुल अड़िग हैं। उसको प्रिवेंटिव में किया है जिनको कल जमानत पर हुई है, और कुछ को जो एसएचओ के साथ में मारपीट रास्ता जाम करने गाड़ी तोड़फोड़ करने की है, तो कुल 124 आदमी अरेस्ट हुए हैं। इसमें 124 आदमी अरेस्ट हुए हैं, इसमें 101 प्रिवेंटिव एक्शन में और 23 जो है। कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन से लगातार जीएसटी के विरोध में हड़ताल प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि जीएसटी को मेंटेन रख सकें। उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक पूरी तरह से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है और ऐसे में सरकार उनकी मुश्किलें बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो 2019 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रुड़की में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ढंडेरा ग्राम पंचायत और मोहनपुरा में भी पानी की निकासी ना होने के लेकर लोगों में खासी परेशानियां हैं। बात अगर रुड़की की जाए तो पूरी रुड़की की सड़कें पानी से सराबोर हो रखी हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर कई कई फिट तक पानी देखने को मिल रहा है, तो मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र के कई मोहल्ले के लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। तो वहीं पिरान कलियार में दरगाह के बाजार में कई फिट तक पानी भर जाने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बल्कि अभी कुछ दिनों पहले ही 15 लाख रुपए की लागत से यहां सफाई कार्रवाई कराई गई थी। वहीं रुड़की के मेयर और विधायक एक दूसरे पर व्यवस्थाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर अभी तक पानी निकासी की किसी की भी तरफ कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा। अगर एडीबी की बात करें तो उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे भी दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। यहाँ के जितने दुकानदार लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये सड़कों पे आ जाएंगे यदि अगली मानसून की अगली बारिश और इसी कंडीशन में यदि बारिश हुई घंटे दो घंटे हुई तो इन लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। ये लोग दुकानें छोड़कर ये भाग जाएंगे। आज तो इसमें सामान बचाने का भी मौका नहीं है। निकालें कहाँ रखें, बाहर रोड पर सामान रख नहीं सकते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास है नहीं कि जो सामान कहीं से कहीं शिफ्ट किया जाए। तो हमें ये लगता है कि यदि अगली मानसून की बारिश हुई तो ढंडेरा पूरा डूबा हुआ होगा। जितने भी यहाँ के दुकानदार लोग हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे जो है काफ़ी प्रॉब्लम में रहे। 8 फुट पानी भरा हुआ है और पूरा सामान घर के अंदर ही है, और हमें जो है कि एक जोड़ी कपड़े पहनने के लिए भी नहीं निकाल पाए। इतना भी टाइम हमें मिला नहीं और हमारा सारा घर डूब गया, सारा सामान उसके अंदर है। और हमें जो है कि अब कहीं भी कोई भी जगह जाने का उम्मीद नहीं। पटना सिटी के अगमकुआ थाना इलाके के भूतनाथ इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन पर उंगली उठने लगी है। ताजा मामला भूतनाथ रोड इलाके का है। यहां चोरों ने एक घर पर हाथ साफ करते हुए लाखों का माल चुरा लिया। पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, वहीं पुलिस ने भी इस मामले की पूरी जाँच कर दी है। लैपटॉप था, दो मोबाइल और 16,000 रुपये में था। रात में आया और निकाल के चला गया। अब सोए हुए थे, सुबह जगह पे सब सामान नहीं। क्या है कि चोरी हुई है, क्या है सत्यापन कर लेने के लिए, इसका सत्यापन मैं कर रहा हूँ। आए तो क्या पता चले हैं? जैसे कि बतला रहे हैं ये अपना कि हमारी मोबाइल दरवाजा खुली हुई थी गर्मी के कारण, और बाहर से दरवाजे सीढ़ी फेंका हुआ था जिसका सहायता हेल्प लेकर चोर प्रवेश किया है और इनके मोबाइल और लैपटॉप वगैरह चोरी।
अम्बाला छावनी में तेज बारिश होने के कारण एक मकान की छत गिर गई, जिसमें एक 7 साल की बच्ची और उसका 13 साल का भाई दोनों मलबे में दब गए। बच्ची को अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बरसात का पानी मकान की छत पर भरने के कारण यह छत गिरी। इस दौरान कमरे में बैठे 2 बच्चे मलबे में दब गए। वहीं आसपास के लोगों ने बच्चे को मलबे से निकाला और घटना के दौरान मौके पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। क्या हुआ था बेटा? ऊपर से छत गिर गई थी और मैं और भैया नीचे दब गए थे। सर एक्चुअली एक फीमेल चाइल्ड अबाउट 7 ईयर्स ओल्ड तो कैजुअल्टी में आई विद, उसके हिस्ट्री थी भी छत ऊपर गिरी है उसके, उनका छत जो फॉल हो गया। तो व्हेन शी केम इन द कैजुअल्टी उसकी कंडीशन थोड़ी ग्रेव थी, एस्पिरेशन थी, उसने जो मड कंटेमिनेटेड वाटर रेन वाटर जो लॉन्ग विद मड काफ़ी अंदर थी उसके एब्डोमेन में और लंग्स में, तो उसको हमने सक्शन किया और बाहर निकाला। तो कंडीशन थोड़ी ग्रेव थी, तो आफ्टर फर्स्ट एड मैनेजमेंट नाउ कंडीशन इज़ इन कंट्रोल, तो अभी उसकी कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव है। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि इस सरकार में अपराध 3 गुना से लेकर 7 गुना तक बढ़ गए हैं। रोजाना बीजेपी के नेता और छोटे भैया नेता अधिकारियों को धमकाते हैं, सड़कों पर लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, ठेकेदारों से पैसे मांगे जा रहे हैं, तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं सरकार के 100 दिन पर राम गोपाल ने कहा कि सरकार ने एक काम भी नहीं किया, सारे काम रुक गए हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एकजुट होकर मीरा कुमार को समर्थन दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्यसभा सांसद राम गोपाल वर्मा ने हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, यूपी के योगी आदित्यनाथ सिर्फ बातें करते हैं लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया। थाना मगोरा इलाके के गांव डोमपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके चलते एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि पुराने रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक के भाई ने अपने परिवार की एक महिला सहित 4 बच्चों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरा नाम बुरलेश सिंह। बुरलेश बताइए क्या घटना है, आपके भाई का मर्डर हुआ कैसे? मर्डर जी है कि पहले 2 बेटियों का भतीजियों का अपहरण कर लिया था इन्होंने। कौन लोग हैं वो? ये हैं तुम्हारे ये नाहर सिंह, गुराब सिंह, गुराब सिंह, जसवंत सिंह उर्फ जसवंत सिंह, नाहर सिंह। समझो ना, ये 3-4 आदमी है, एक पत्नी है इसी की, हमें छोटे भाई की पत्नी है। मामला क्या चला, किन कारणों से ये मर्डर हुआ? मर्डर बता तो रहे हूँ, पहले लड़कियों का वो जसवरी जड़ पत्नी है छोटे भाई की, जिनका मर्डर हुआ उनकी भाई। हाँ ना ना, उसकी नहीं, इससे जो छोटा भाई है भूरी सिंह उसकी पत्नी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मथुरा से शिव प्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं। जी शिव प्रकाश, मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते एक ये 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई, क्या पूरा है मामला? ये थाना मगोरा के गांव डोमपरा की घटना है। 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। मारपीट में 55 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम हीरा सिंह है घायल हो गए और युवक मारपीट करके भाग गए, घायल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिव प्रकाश जी, यहाँ जानना चाहूंगी कि परिवार के व्यक्तियों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि, और एक महिला पर और 4 व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्हीं ने शायद इस हत्या को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, मृतक के भाई की पत्नी है, उसके उसको पड़ोस के 4 युवकों द्वारा कुछ समय पूर्व भगा के ले जाया गया था, उसको लेकर दोनों पक्षों में काफी झगड़ा हुआ था इनमें, और इनकी 2 भतीजी हैं, उनका भी अपहरण इन युवकों द्वारा किया गया था, लेकिन गांव के कुछ संभ्रांत लोगों और पुलिस के द्वारा
फैसला करा दिया गया था, लेकिन कल ये युवक दिन में मौका पाकर घर में घुस गए और लाठी डंडों से इस वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी। जी शिफका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के श्रावस्ती के इकोना इलाके में एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। घटना भुसैली पुरवा बेलपुर गांव की है। महिला का शव झील के किनारे मिला। मृतका का नाम नीलम तिवारी बताया जा रहा है। मृतका के भाई ने उसके पति पर ही हत्या का मामला दर्ज करा है। पीड़ित के अनुसार आरोपी पति ने पहले भी उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। इनका लगभग 16-17 साल पहले शादी हुई थी, जिसमें इनके पास दो बच्चे हैं और अशोक कुमार तिवारी ने 2013 में इनको जला भी दिया था। पूरा जान से मारने की कोशिश की थी लेकिन उसमें असफल हो गए और बहुत काफ़ी दवाई के बाद वो लड़की ठीक हो गई। ठीक होने के बाद कुछ दिन के बाद काफ़ी मेल जोल करके उन्होंने सुलह समझौता लगवा ली। ये थाने कोना क्षेत्र में बुसेली पुलवा में हमें एक सूचना कल देर रात को प्राप्त हुई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। जो मृतका है उनके भाई ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर धारा 302 में थाने कोना मुकदमा पंजीकृत हुआ है और उन्होंने अपनी तहरीर में मृतका के पति पर ही शक जाहिर किया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को की हत्या कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसा आगे डिटेल्स होगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।